हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में। ये पॉपुलेशन क्या होती है, किस प्रकार कंट्री को अफेक्ट करती है। जैसे वर्तमान सोसाइटी एंड पॉपुलेशन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज डेमोग्राफी। इसका मतलब ये होता है कि जो मानवीय जनसंख्या है उनका अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को हिंदी बोलते हैं जनसंख्यिकी, लोगों का अध्ययन, उनकी जो संख्या है उनका अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। द डेमोग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन सोसाइटी। जो डेमोग्राफी होती है वो अपनी हेल्प करती है किसी भी सोसाइटी के बारे में जानने में हेल्प करती है। ये मानवीय समुदाय होता है या सोसाइटी होती है उसके बारे में जानने में हेल्प करती है डेमोग्राफी। इन डेमोग्राफी स्टडी द नंबर ऑफ पीपल कंपोजिशन एंड आल्सो अबाउट द चेंजेस। ये जो डेमोग्राफी होती है जनसंख्या की होती है उसमें अपन नंबर ऑफ पीपल, लोगों की जो संख्या होती है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। एंड कंपोजिशंस, कंपोजिशन मीन्स मतलब कि मेल्स फीमेल्स कितने क्या है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। एंड आल्सो अबाउट चेंजेस, ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं उसके होने वाले चेंजेस के बारे में अध्ययन करते हैं। विच अकर इन पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि के दौरान किसी भी एरिया के अंदर जिसके अंदर अध्ययन कर रहे हैं, जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं उसके अंदर होने वाले चेंजेस का अपन इसके अंदर अध्ययन करते हैं, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंदर अपन नंबर ऑफ पीपल के बारे में अध्ययन करते हैं, कंपोजिशन के बारे में अध्ययन करते हैं एंड आल्सो अबाउट चेंज, सोसाइटी के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इट मीन्स इट स्टडीज अबाउट बर्थ डेथ्स एंड माइग्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि अपन इसमें स्टडी करते हैं बर्थ कि उस एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ पर अध्ययन करते हैं जनसंख्या का, उसमें कितने बच्चों ने जन्म लिया या कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग वहाँ से चले गए हैं। देर आर थ्री फैक्टर्स विच डिटरमाइन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, ये जो फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं उस एरिया के अंदर नंबर ऑफ पॉपुलेशन को या पीपल को डिटरमाइन करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उस क्षेत्र के अंदर होने वाली जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करते हैं। इसमें थ्री फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है फर्टिलिटी, जो प्रजनन दर होती है वो भी उस एरिया की जनसंख्या को निर्धारित करती है। मान लो किसी भी एरिया के अंदर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है तो वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। यदि वहाँ फर्टिलिटी रेट कम है तो जनसंख्या होगी कम। फर्टिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय सोशल फैक्टर्स सच एज टैबोस, द टैबोस रिलेटेड इन टू फर्टिलिटी। ये जो फर्टिलिटी रेट होती है, प्रजनन दर होती है, वो कंट्रोल की जाती है सोशल फैक्टर्स के माध्यम से, जिसको बोलते हैं टैबोस, एक प्रकार के निषेध या रूल रेगुलेशन जिसके माध्यम से अपन इसको फर्टिलिटी रेट है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। मेन एंड वुमेन एसोसिएशंस, इसका मतलब होता है कि मेल और फीमेल के अंदर किस प्रकार का संबंध है वो भी डिटरमाइन करता है फर्टिलिटी रेट को। द वाइफ विल नॉट एसोसिएट विथ मैन अदर देन हर हस्बैंड। इसमें ये होता है कि जो फर्टिलिटी रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। इसमें होता है जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के अलावा दूसरे पर्सन से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सके, तब जा कर के अपन फर्टिलिटी रेट को कम कर सकते हैं। सेकेंड है सेक्सुअल इंटरकोर्स, नो ब्रदर कैन इंटरकोर्स विद हर सिस्टर्स। इसमें ये होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो एक प्रकार से जो क्लोज रिलेशनशिप है जैसे ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनके बीच में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्निकेशन एडल्ट्री, मैन एंड वुमेन कैन नॉट हैव इंटरकोर्स विदाउट मैरिज। में ये होता है कि ये जो मेल एंड फीमेल है विदाउट मैरिज इंटरकोर्स नहीं करें या संभोग नहीं करें, इससे क्या होगी जनसंख्या में नियंत्रण होगा। यदि ये लोग होंगे मेल एंड फीमेल होंगे उनमें इंटरकोर्स प्रोसेस होगी तो जनसंख्या वृद्धि होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है सेकेंड मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी रेट इसको बोलते हैं हिंदी में मृत्यु दर, ये भी क्या करते हैं जनसंख्या को निर्धारित करते हैं। देर आर सर्टेन सिचुएशंस इन सोसाइटी विच कॉज डेथ सच एज। इसमें जो मोर्टिलिटी रेट है वो निर्धारित करती है पॉपुलेशन को, इसे कुछ कॉज होते हैं मोर्टिलिटी रेट जो बढ़ने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द पॉपुलेशन टू मीट देयर नीड्स। इसमें क्या होता है कि सोसाइटी है वहाँ पर जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है जैसे कि पानी है, भोजन है या और भी संसाधन है, उनकी कमी देखने को मिलती है जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ती है। मान लो वहाँ पर एक ऐसा एरिया जहाँ पर फल फ्रूट्स नहीं है, भोजन नहीं है, तो वहाँ के लोग होंगे वो मालनरिश्ड होंगे, उनको भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी मृत्यु दर, वहाँ की जो एरिया है वहाँ पर मृत्यु दर बढ़ेगी। सुसाइड ड्यू टू मेंटल हरासमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है कई बार वो सोसाइटी के द्वारा प्रताड़ित होता है या परेशान होता है जिसके कारण वो
सुसाइड अटेम्प्ट करता है. सुसाइड कमिटेड बाय आर्मी यूनिट व्हेन कम इन हैंड्स ऑफ एनिमी और टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशन. कई बार अपन ने देखा होगा कि जब कोई सैनिक होता है शत्रु के चंगुल फंस जाता है तो क्या होता है, वो साइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि यदि वो शत्रु के पास में रहेगा तो वो जो एनिमीज होंगे उसको परेशान करेंगे, मेंटल हरासमेंट करेंगे, फिजिकल टॉर्चर करेंगे, तो क्या करा साइड करने की कोशिश करता है. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम फेल हो जाते हैं, तो वो बचने के लिए अपनी जो विफलता है उनको उससे बचने के लिए साइड करने की कोशिश करते हैं. इसी कारण क्या होती है, मोर्टलिटी रेट होती है वो भी बढ़ती जाती है. इंजूरियस कस्टम्स विच गवर्न डाइट एक्सरसाइज बैटल च्यूइंग अमॉन्ग मुस्लिम्स बेयर फुट वॉकिंग. इसमें क्या होता है कि कई ऐसी प्रथा हैं अपने समाज के अंदर जो कि हार्मफुल होती है सोसाइटी के लोगों के लिए. इसमें होता है कि जैसे कि बैटल च्यूइंग अमॉन्ग मुस्लिम्स में क्या होता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो कई बार पान खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, या मुस्लिम के अलावा कई लोग हैं वो भी क्या करते हैं, तंबाकू का यूज़ करते हैं जो कि हेल्थ के लिए हानिकारक है. कस्टम्स में क्या उसको सही माना गया है, लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है. और कई बार क्या होते हैं, जो लोग होते हैं वो नंगे पैर चलते रहते हैं, यात्रा करते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है. तो इस प्रकार की प्रथाएं होती है वो भी मोर्टलिटी रेट को बढ़ाती है. टॉर्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस. कई बार क्या होता है कि जो मेडिकल जो पद्धति होती है, चिकित्सा पद्धति होती है, उसमें कमी के कारण भी मोर्टलिटी रेट बढ़ती है. कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट का इलाज ठीक से नहीं होता है, या फैसिलिटी नहीं होती है, टेक्निकल जो फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी मृत्यु दर बढ़ती रहती है. थर्ड फैक्टर है माइग्रेशन. माइग्रेशन ऑलवेज अकर आइदर ड्यू टू इमोशनल और इकोनॉमिकल रीजंस एज नॉट ईजी टू लीव वंस रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. माइग्रेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, लोगों का एक एरिया से एक कंट्री से अदर कंट्री में जाना, या स्टेट से अदर स्टेट में जाना, इस प्रकार होता है माइग्रेशन. ये जो माइग्रेशन प्रोसेस होती है वो भी जनसंख्या वृद्धि में या कमी में हेल्प करती है. मान लो किसी एरिया के अंदर लोग वहाँ से रूरल एरिया के अंदर से लोग छोड़कर बाहर जाते हैं अर्बन एरिया के अंदर, तो वहाँ पर जो अर्बन एरिया वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है. माइग्रेशन ऑलवेज अकर आइदर ड्यू टू इमोशनल एंड इकोनॉमिकल रीज़न. जो माइग्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो दो रीजन्स होती है, तो इमोशनल होगी या इकोनॉमिकल. कई बार जो लोग होते हैं रूरल एरिया के अंदर, गवर्नमेंट एरिया के अंदर, वहाँ पर जॉब्स तो होते नहीं हैं, या कई प्रकार की कमियाँ होती हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए या जॉब को पाने के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन क्षेत्र की ओर जाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको जॉब्स मिल सके, जिनकी आवश्यकता है, बेसिक नीड्स है वो कम्प्लीट हो जाए. इट इज़ नेचुरल दैट इफ़ एनी वन डिसाइडेड टू माइग्रेंट्स. एक प्रकार की जो माइग्रेशन की प्रोसेस है वो एक प्रकार नेचुरल प्रोसेस होती है. ही मस्ट हैव सीन मोर एडवांटेज इन रिलेशन टू इमोशनल और इकोनॉमिकली. ये जो माइग्रेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी और इकोनॉमिकली और इमोशनली. मान लो कोई व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए, इकोनॉमिकली इम्प्रूवमेंट के लिए बाहर जाता है, तो उसके लिए वो बेनिफिट देती है. देर आर सर्टन फैक्टर्स विच डिटरमाइन दी माइग्रेशन. कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके माध्यम से माइग्रेशन स्थानांतरण होता है, या कई बार नहीं भी होता है. इकोनॉमिकल बेनिफिट, कई लोग होते हैं जो गरीब होते हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इस प्रकार माइग्रेशन बढ़ता है. इमोशनल एडवांटेज, कई बार भावनात्मक रूप से लोग नहीं जा पाते हैं, ठीक है, अदर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में जॉब्स के लिए, ये भी माइग्रेशन में हेल्प करता है. एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वन कंट्री, किसी भी व्यक्ति का अपने देश प्रेम, किसी व्यक्ति का अपने देश के प्रति प्रेम, वो भी बढ़ा होता है, माइग्रेशन को कम करता है. मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, मतलब किसी भी देश के अंदर आना जाना में कोई पाबंदी नहीं है, या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो किस पर कोई समस्या नहीं थी, तो माइग्रेशन की प्रोसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल पावर. पॉलिटिकल पावर भी माइग्रेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स. फर्स्ट है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. इसमें क्या होता है कि कंपोजिशन में होता है कि कितने प्रकार के मेल है, फीमेल है, या जो ओल्ड एज कितने पर्सन है, इसके अंदर अपन अध्ययन करते हैं. डेमोग्राफी का मतलब ये होता है कि लोगों की संख्या का अध्ययन करना, या जो कंपोजिशन है उनका अध्ययन करते हैं, इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं. तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. सेकेंड है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिसके अंदर पॉपुलेशन का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर कितनी संख्या में लोग हैं, डेंसिटी कितना घनत्व है पर स्क्वायर फीट के अंदर. थर्ड है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण.
फोर्थ है लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेसी और एजुकेशन भी क्या होती है, किसी देश की प्रगति में हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। मान लो इसमें क्या होता है कि कई बार उम्र क्या होती है कम होती है, कई बार क्या होता है कि लोग होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता या एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनकी जो लाइफ होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ कम देखने को मिलती है। तो जो हेल्प करते हैं ये जो फैक्टर्स है वो हेल्प करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अध्ययन में, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में अध्ययन में हेल्प करते हैं।